नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ब्रिटेन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। शाम को 6 बजे एमएलसी चुनाव का जो प्रचार है वो थम चुका है। 9 अप्रैल को एमएलसी चुनावों के लिए वोटिंग होगी। 36 में से 27 सीटों के लिए वोटिंग कास्ट होगी और 9 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। तो 27 सीटों पर अभी भी वोटिंग प्रक्रिया का सामना सभी दलों को करना होगा। लेकिन इससे पहले जो 9 सीटें हैं उस पर आपको ये बता दें कि बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल करी है। बची हुई 27 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 12 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए सतवीर को साक्षात किया है, तस्वीर साक्षात साझा करी है। और आपको बता दें, ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्र की उन्नति और समाज के कल्याण के लिए सदैव समर्पित भारत माँ के मस्तक को विश्व पटल पर ऊंचा करने वाले हमारे आदर्श पुरुष, प्रेरणा स्रोत, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में आत्मीय भेंट करते हुए मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया है। तो ब्रजेश पाठक ने तस्वीर साझा करी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने राजधानी लखनऊ में अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता प्रदेश कार्यालय से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकालते नजर आए। इस दौरान उनकी पुलिस वालों से नोकझोंक भी हुई। पुलिस वालों ने उन्हें बैरिगेटिंग लगाते हुए रोकने की कोशिश करी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिगेटिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। पुलिस उन्हें अपने वाहन में बैठा कर दूसरी जगह ले गई, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। तो हम लोगों ने मार्च किया था कि वहां जाके उन सब अपना कष्ट कहेंगे। मेरे ख्याल से इसे करना चाहिए, इजाजत देनी चाहिए, यही बात। अब आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो हाइपोथेटिकल है, उस पर क्या जवाब दूं मैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र की निर्वाचित सरकार है, कोई पाकिस्तान वाली सरकार तो है नहीं, तो ये देंगे इजाजत, मुझे आशा। बढ़ती महंगाई यानी कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर पूरे देश में आज प्रदर्शन के लिए घोषणा की गई थी कांग्रेस की तरफ से। आज लखनऊ मुख्यालय पर भी आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और बढ़ती महंगाई यानी कि एलपीजी, सीएनजी और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कमी जरूर भारतीय कांग्रेस कार्यालय में खल गई थी। अभी तक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाया है, लेकिन कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिया है, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया है। हल्की नोकझोंक भी पुलिस के साथ शुरू हो चुकी है। अभी देखना होगा कि इस कैसे पुलिस इनको टैकल करती है और कैसे यहां से गिरफ्तारी देते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। लेकिन माना यह जा रहा था कि पूरे देश में जब ये कांग्रेस प्रदर्शन करेगी तो इसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पर भी पड़ना है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत से ही कहा था कि ये चुनाव जीतने के लिए नहीं, ये जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आते हैं। तो फिलहाल चुनाव खत्म हो चुके हैं 2022 के उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आज प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरी और देखना होगा कि इस महंगाई के इन प्रदर्शनों से कांग्रेस में कितनी जान वापस लौटती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौहीद की दुआ, जनता टीवी लखनऊ। महंगाई को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर निकले आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहां पर रोक लिए गए हैं, पुलिस ने उनको रोका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे थे। विधानमंडल के नेता मोना मिश्रा जी हैं। मोना जी, आज चूंकि चुनाव के बाद कांग्रेस पहली बार पार्टी सड़क पर निकली है। देखिए, कांग्रेस चुनाव के पहले भी जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई थी। चुनाव समाप्त हो गया है पर हमारा संघर्ष नहीं समाप्त हुआ। आज पूरा देश जिस तरह से महंगाई से त्रस्त है, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश मुख्यालयों पे धरना रखा है। हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाना चाहते हैं। शांतिपूर्वक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, जिस तरह से आप देख रहे हैं बलपूर्वक हमें रोका जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। ये हमारा अधिकार है, हम आगे जाना चाहते हैं। हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं। आज के मेन मुद्दे क्या है आखिर? क्या महंगाई एकमात्र मुद्दा है? जिस तरह से चुनाव के खत्म होते एलपीजी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जिस तरह से सब्जी का दाम, दलहन का, तेल का, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
साथ में जाना चाहते थे और शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं। हमारा अनुरोध है सरकार से कि हमें महामहिम राज्यपाल के यहाँ तक जाने दिया जाए। प्रमोद तिवारी जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज हारने के बाद कोई पार्टी पहली बार सड़क पर निकल? सबका अधिकार है जाने का, और हमें राजभवन न जाने दिया जाए, निर्वाचित विधायकों को न जाने दिया जाए, यह अनुचित है और ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। किसी भी प्रदेश में चुनाव के बाद कोई पार्टी पहली बार ऐसा देखने को मिलना कि निकली, चिलचिलाती धूप भी है और कई नेता आज कांग्रेस के सड़क पे हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमेशा संघर्ष करते रहे। देखिए, ये प्रमोद तिवारी जी थे, और इसके अलावा आराधना मिश्रा मोना, जो कि विधानमंडल दल की अध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं, और कई ऐसे दिग्गज नेता जो नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि ये राज्यपाल तक जा पाते हैं या पुलिस इन्हें यहीं पर रोक के रखती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर भाई, जनता टीवी, लखनऊ। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज राजधानी की सड़कों पर संघर्ष देखने को मिला, और ये नजारा सिर्फ राजधानी लखनऊ की सड़कों का नहीं था, बल्कि देशव्यापी आंदोलन का आह्वान, प्रदर्शन का आह्वान आज कांग्रेस ने महंगाई के विरुद्ध किया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगरी अयोध्या के विकास में अब और तेजी आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई है। श्रीराम एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने लगभग 318 एकड़ जमीन खरीदी। इसके लिए प्रदेश सरकार के नागरिक उन्नयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच लीज एग्रीमेंट किया गया। इस एग्रीमेंट के बाद अब अयोध्या में बनने जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी आएगी। तो वहीं लीज के एग्रीमेंट होने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश में 5 साल के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। ये प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्मृतियों को समर्पित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है, और इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। देश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी एक राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। यह सब संभव हो पाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी का बचाव किया। अखिलेश ने बीजेपी पर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक दिमागी समस्या से ग्रसित है, जबकि इसके पलटवार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो किस तरफ हैं, राष्ट्र की तरफ या फिर आतंक की तरफ। तो वहीं डिप्टी सीएम के बयान के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश जी, यदि आपके पास और कोई भी मानसिक रोगियों की सूची है तो उसे योगी जी तक पहुंचाएं, जिससे सभी का समय से समुचित इलाज हो सके। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में आज भी बरेली में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी। इस बार बरेली विकास प्राधिकरण के निशाने पर सपा विधायक शहजल इस्लाम आए हैं। बीडीए ने कार्रवाई करते हुए सपा विधायक के बिना नक्शा पास कराए बनाए गए पेट्रोल पंप पर
बुलडोजर चला दिया। चंद ही घंटों में पूरे पेट्रोल पंप को ढा दिया गया। बीडीए की कार्रवाई के दौरान मशीनों को छोड़कर पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी। पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी मुस्तैदी से डटे हुए थे। अफसरों को जमीन सीलिंग की होने की भी जानकारी मिली, इसकी जांच कराई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 2 अप्रैल को एक कार्यक्रम के सपा विधायक शहजिल इमाम ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर बुलडोजर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। जिला हरदोई में ज्वेलर्स से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने उनसे मुठभेड़ हुई है, माफ कीजिएगा, जिसमें एक लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकी की तलाश की जा रही है। रात्रि में तो बदमाश आते हुए दिखाई दिए मोटरसाइकिल से, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वो नहीं रुके और इस रास्ते की तरफ भागे। यहाँ जब उनको घेरा गया तो उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो यहीं पर गिर गया। दूसरा बदमाश जो भागने की फिराक में था, उसको भी घेर कर पकड़ लिया गया है। सीतापुर जिले में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के लहरपुर में हुए लगातार 2 वारदातों से पूरा इलाका दहला हुआ है। दरअसल यहां एक हत्या के मामले में नामजद आरोपी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे में सवाल ये कि युवक ने खुदकुशी की या फिर उसकी हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया, ये कह पाना अभी तक मुश्किल है। सवाल का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मिल पाएगा। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मिर्जापुर पहुंचे हैं। तो वहीं उन्होंने माँ के दर्शन करते हुए सभी के कल्याण विश्व शांति की प्रार्थना करी। तो वहीं दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में घटना हुई है वो अत्यंत दुखद है। सामूहिक रूप से पत्थर फेंकने और आग लगाने की घटना शर्मनाक है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की बहादुरी के चलते लोगों की जान बची है। पुलिसकर्मी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए ऐसे ही लोगों की सोच होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। घटना पूर्व नियोजित रही है और यह जानकारी करने के पश्चात कब जुलूस निकलने वाला है, कब वो पहुंचने वाला है, इसका समुचित तौर पर आकलन करते हुए उस ढंग से पत्थर फेंका गया और बाद में दुकानों में आग भी लगाई गई। यह घटना बड़ी दुखद है। नियंत्रित करने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने काम किया। मैं उस कांस्टेबल की तारीफ करता हूं, जिसने देखा कि जलते हुए मकान में एक माँ अपने बच्ची को लेकर खड़ी है, परेशान है, और 1-2 बच्चे और उसके साथ में हैं। उसमें उस पुलिस कांस्टेबल ने अपने जान की परवाह किए बगैर अंदर जाकर हिम्मत के साथ बच्चे को बचाया और उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि उनके साथ भाग करके बाहर निकले और सबको बचा दिया। उत्तराखंड प्रदेश में तकनीकी शिक्षा काम से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में रही है। तो वहीं अब धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को तकनीकी शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया। मंत्री सुबोध उनियाल का साफ तौर पर कहना कि बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे कोर्सों को बदलने की जरूरत है, जिससे हम जॉब ओरिएंटेड और स्वरोजगार की दिशा में काम करने वाले पढ़ाई छात्र छात्रों को उपलब्ध करा सकें। तकनीकी शिक्षा में नए नए इनोवेशन पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बाबा आदम के जमाने के ट्रेड हैं वो बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं रह गए और इस तरह से बेरोजगारी फैल रही है। तो आज हम लोगों का यह है कि जो जॉब ओरिएंटेड भी हों और साथ ही साथ स्वरोजगार के हों, ऐसे ट्रेड्स पे मेरा ध्यान ज़्यादा है कि इस तरह के ट्रेड स्वीकृत करा के हम अपने कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पॉलिटेक्निक में इस तरह के ट्रेड करें जिससे लोगों की आर्थिकी में उसकी मदद मिले। आप बेफिक्र रहिए, किसी भी भ्रष्टाचारी को विभाग में छोड़ूंगा नहीं। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में भले ही अभी 1 महीने का समय रह गया है, लेकिन केदारनाथ घाटी के ज्यादातर होटल और लॉज एडवांस में बुक हो चुके हैं। ऐसे में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे व्यवसायी बेहद खुश हैं।
कोरोना महामारी का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। केदार घाटी की 70% से ज्यादा आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। 6 महीने चलने वाली यात्रा के दौरान केदार घाटी के लोग होटल, लॉज, डंडीगंडी, घोड़ा खच्चर, पंडिताई समेत अन्य रोजगार के जरिए अपनी आजीविका का संचालन करते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो कि पूरा होटल व्यवसाय ठप हो चुका था, तो इस वर्ष एक व्यवसायियों में एक उम्मीद जगी है कि इस वर्ष काफी उनके पास इंक्वायरियां आ रही हैं और इस वर्ष क्षेत्र में काफी बुकिंगें आ रही हैं और होटल व्यवसायियों पर जो आर्थिक रूप से जो बैंकिंग ऋण का और उन पर जो एक्स्ट्रा बिजली के बिलों की ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी उनको इस बार व्यवसाय सॉल्व कर पाएंगे और हम ये चाहेंगे कि इस वर्ष यात्रा में प्रशासन का और व्यवसायियों का पूरा सहयोग दे। 2 सालों बाद यात्रा के दोबारा पटरी पर लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। मई और जून माह तक केदार घाटी के गुप्त काशी, शेरसी, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड एवं केदारनाथ धाम के होटल लॉजों की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है, जिससे यहां के व्यवसायियों में बेहद खुशी है। 2 साल से ये कोविड की मार झेल रहे थे, तो इस बार काफी उम्मीदें हमें इस यात्रा से हैं, क्योंकि इस बार काफी अच्छी मात्रा में हमारे पास इंक्वायरी भी आ रही है। यात्री लगातार फोन के माध्यम से, ऑनलाइन हमसे लगातार बुकिंग के बारे में संपर्क कर रहे हैं और काफी बुकिंग हमारी मई और जून के लिए इस बार लगभग हो चुकी है। होटल 70% लगभग बुक इस समय हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए प्रशासन की ओर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार तीर्थयात्रियों को केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग में ही पैरों की मसाज की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे यात्री पैदल चलने के बाद राहत महसूस कर सके। कुछ नवयुवकों को मसाज की ट्रेनिंग दी गई थी, मसाज ट्रेनिंग उनको दी गई है जो मार्ग में पैदल यात्री आएंगे, तो इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि वो जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी वो युवा आकर के जो है अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो एक अच्छा प्रयास है और मेरी शुभकामनाएं है सभी लोगों को, व्यापारियों को, होटल से जितने हमारे होटल रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड कर लिए गए हमारे द्वारा। अभी कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जो होटल पंजीकृत नहीं है उन होटल को सुविधा देने के लिए हम स्वयं जो है सोनप्रयाग, गुप्त काशी, फाटा इत्यादि में जाकर के कैंप लगा रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कैंप लगाने के लिए कि अपना पंजीकरण कराएं। होटल व्यापारियों को पंजीकरण करने के लिए भी कहा गया है, जिससे पूरे व्यवस्थित तरीके से केदारनाथ यात्रा संचालित हो सके। रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट की रिपोर्ट। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत महानगर कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। AICC के निर्देश पर कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाया, जिसके समापन में कांग्रेसी नेताओं ने सीधे जनता के बीच जाकर उनको बढ़ती महंगाई के प्रति जागरूक भी किया है, साथ ही सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग की। से जो है अपना ये मार्च हमने निकाला था, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश हमको मिले हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश मिले हैं कि आज जो है हमें मार्च निकालना। तो आज हमारे सभी साथियों ने यहाँ पे जो हमने मार्च निकाला है और हमने ये मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, लेकिन ना तो महंगाई कम हो रही है, ना भ्रष्टाचार दूर हो रहा है, ना बेरोजगारी कम हो रही है, बल्कि बेरोजगारी का तो यह आलम हो चुका है कि जो लोग आज जो स्वास्थ्य सेवा में नौकरियों पर लगे तो उन्हें भी निकालने का काम इस सरकार ने कर दिया। तो हमारी जो जंग है वो जनता के लिए हमेशा जारी रहेगी।